नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी किस्मत अब पहले से ही लिख चुकी है। और संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, सब कर्म होता है और आदमी के कर्म ही उसके आगे का जीवन निर्धारित करते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो भाग्य में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। कुछ ऐसे ही चार बड़े परिवर्तन आप लोगों के जीवन काल में होने वाले हैं। ये परिवर्तन केवल और केवल आपकी राशि वाले जातकों के लिए हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इस प्रकार के दोनों लोग समय समय पर अपने विश्वास से जो लोग डगमगाते रहते हैं। और यदि दोस्तों एक इंसान कर्म और भाग्य के नाम की इन दो बिंदुओं पर घूमता रहता है और एक जगह संसार और उसके सारे सहने वालों को छोड़कर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, इस चीज को आपको जानने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में कुछ गलत ना हो और समय अंतराल में भी कुछ बड़ा परिवर्तन ना हो, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र की चाल कुछ इस प्रकार आपके जीवन में बड़े बदलाव कर रही है, जिसमें आपको कुछ खास सावधानियां रखने की आवश्यकता है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये जानने के बाद आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, जितने भी कष्ट आपके जीवन में आते हैं वे आते ही भाग जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिंदगी में भगवान हमें बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन लेने के लिए हमें कुछ खास रास्ते अपनाने पड़ते हैं, कुछ खास सावधानियां रखनी पड़ती हैं। तो आप इस वीडियो को उन सावधानियों को जानने के लिए ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शिव शंकर का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दीजिए जय माता दी, जय महाकाली। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं ऐसी कुछ खास सावधानियां जिनमें आपको पता लगेगा कि भगवान ने आपके भाग्य में क्या बड़े परिवर्तन किए हैं और कर्मों का फल माँ लक्ष्मी की कृपा से कैसे मिलने वाला है, जिसके द्वारा दोस्तों भगवान का दिया हुआ वरदान पूरी तरह से संपन्न होने वाला है। दोस्तों, मकान खरीदने का प्लान बन सकता है, तो इन 24 घंटे में आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी आपके हाथ लग सकती है। बिल्कुल सही सुना, समय अपने आपका परीक्षा ले रहा है, इसलिए आपको अपने पार्टनर को थोड़ा सा सही रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, कुछ आपके पार्टनर नाराज रह सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपके लिए दिन थोड़ा सामान्य है। यदि आप विदेश की यात्रा पर जाने के लिए विचार कर रहे हैं तो आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। आपको किसी जोखिम भरे काम को करने से सावधान रहना होगा, लेकिन बिजनेस में भी आपको खास सावधानियां मिल सकती हैं। सकारात्मक परिवर्तन पुरातत्काल से ही बनते आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपको बता दें, दूसरों के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें, वरना बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दें कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार के गलत काम में हाथ ना डालें। किसी को आपको सताना नहीं है, किसी को भला बुरा या फिर सताना नहीं है। सताने से आपका जो है मनोबल काफ़ी स्थिर तक घट सकता है। लोगों के साथ में अच्छे रिश्ते बनाए रखें, भगवान के नक्शे कदम पर चलें तो आपके साथ ईश्वर भी अवश्य चलेंगे। और दोस्तों, आपको अच्छे कर्मों की भरपाई करनी पड़ेगी और बुरे कर्मों की भी भरपाई करनी पड़ेगी, इसलिए आप जो भी करें बड़े ही सोच समझकर विचार विमर्श के बाद ही करने की आवश्यकता है। दोस्तों, कुछ समय आपको अच्छे विचारों को सोचने के लिए देना चाहिए। आपको कोई अच्छा कार्य करने के लिए भी थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। अपनी सेहत के साथ साथ आप लोगों की सेहत का भी खास ख्याल रख सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। कोई फैसला सलाह मशवरा करने के बाद में ले रहे हैं तो आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की मदद लेकर ही करना चाहिए। और इस समय दोस्तों, अपनी नीतियों में कुछ बड़ा बदलाव लाने का प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे दोस्तों आप लोगों को मन में काफ़ी शांति मिलेगी और आर्थिक स्थितियाँ भी आप लोगों की अच्छी तरह से पूरी होंगी।
दोस्तों वाहन ही नहीं, आप कोई बड़ा घर खरीद सकते हैं जोखिम वाले काम से पर दूर रहें। आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, जब भी आप किसी ऊंचाई पर जाते हैं तो लोग आपको नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे ही आपके आसपास वाले लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को यदि फल चाहिए तो कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी ही सावधानी के साथ में करें तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी स्थितियां उत्पन्न करने वाला है। भाग्य के भरोसे बैठे ना रहें, अपने भाग्य को खुद बनाते हैं, आप खुद बिगाड़ते हैं, इसलिए अपना काम करें, बाकी काम ऊपर वाला खुद करेगा। आज आपके बॉस का गुस्सा बढ़ सकता है, यदि आप लापरवाही करेंगे तो दोस्तों मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। वहीं व्यापार से जुड़े हुए लोग थोड़ा सा सावधान रहें। देखा कि हालांकि शुरुआत में हमने आपको बताया है बाकी की कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बढ़िया करते रहेंगे, आप अच्छे से काम करते रहें। दोस्तों धार्मिक गतिविधियों से जुड़ सकते हैं, मनोरंजन बढ़ेगा, सभी क्षेत्रों में बेहतर लाभ मिल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों पूरी तरह से पूरे काम को भी आप लोगों को अच्छे काम करने की भी आवश्यकता है। वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अच्छे अवसर आपका इंतजार करते करते थक चुके हैं, आपकी वाणी की वजह से वो दूर भाग सकते हैं। विस्तार के कार्य बनेंगे, सहज परिणामों से काफ़ी उत्साहित रहने वाले हैं, जो आपके करियर क्षेत्र में उन्नति करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। लिखा पढ़ी में काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप लोगों की फ्यूचर प्लानिंग में भी आपकी शिक्षा काफ़ी काम होने वाली है। एक से अधिक स्रोतों से वृद्धि हो सकती है, इसलिए आप यदि कोई काम कर रहे हैं उसे कंसंट्रेशन के साथ में करते रहें और कोई भी काम भी आप कर सकते हैं। जिम्मेदार लोगों का सहयोग मिलेगा, अधिकारी वर्ग भी आप लोगों से काफ़ी प्रसन्न रहने वाले हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि आपकी कुंडली में जो ये बड़े परिवर्तन है ये खास सावधानियों से सही हो सकते हैं, इसलिए आप इन खास सावधानियों को ज़रूर रखिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी खास सावधानी से पहले ही आप लोगों को चेतावनी मिल जाए, कोई भी बड़ी दुर्घटना ना हो। दोस्तों व्यवस्था पर भरोसा रखें, धर्म कार्यों में काफ़ी रुचि ले सकते हैं, मनोरंजक यात्रा हो सकती है, पुनः योजन बढ़ाएंगे व सहजता भी बनी रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों सहज प्रयास भी आप लोगों के काफ़ी पक्ष में हैं, अपना काम निरंतर करते रहें, जल्दी आपको उसका उचित फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हे माँ लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है ज़रूर लिखिएगा।